अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीउल्ला और आप देख रहे हैं टेक्निकल रफ़ी भुट्टा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू वीडियोस जो भी आएँ आप तक जल्दी पहुँच सकें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बतानी है, तो फिर अगर आप ऐसे ही स्किप कर देंगे वीडियो को तो फिर एंड पे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखिए इसकी। मैं आपको अब चलिए स्क्रीन की तरफ। तो हम इसको शेयर करेंगे स्नैपसीड पे। अगर आपके पास स्नैपसीड नहीं है तो आप स्नैपसीड डाउनलोड कर लें या फिर यहाँ से इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। इसे टूल्स पे जाना है, फिर ट्यून इमेज, इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। जी हम अब बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। अब हमने अपने फेस से ये मतलब कलर वगैरह रिमूव कैसे करना है, तो इधर आएंगे हम। ये जैसा कि आप देख रहे हैं व्यू एडिट्स, ट्यून इमेज और ये सेकंड ऑप्शन। तो पहले तो इसे सारा ब्रश कर लेंगे ना। ये हो गया ब्रश। तो यहाँ से हमने इस जो ट्यून इमेज नीचे लिखा हुआ है 100 नहीं, अब हमने ज़ीरो पे आ जाएंगे, फिर ज़ीरो पे। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को पहले की तरह क्लियर कर लेंगे। फिलहाल जी हमने अपने बैकग्राउंड चेंज किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फेस कैसे एडिट करते हैं। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। मतलब अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है या फिर ये आगे ऐसे चला जाता है इस तरह, तो हम दोबारा इसे 100 पे लाएंगे ट्यून में इमेज को। तो दोबारा हम इसे क्लियर कर लेंगे पहले की तरह, क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, अभी फेस पे नहीं गए। ठीक है ना, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है तो ये चेंज। सब क्लियर हो गया। जिस ट्यूटोरियल आपको दिखा रहा हूँ मतलब काफ़ी जल्दी में, माइंड मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारी पिक, मतलब बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसे बैक करेंगे।
फिर जा जाएंगे टूल्स पे, सिलेक्टिव, ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्टिव। तो इससे हम सिलेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी जो है हमारे पास ना, इसे 2 से 3 बार करना है, इसे ज़्यादा करें मसला नहीं है लेकिन 2-3 बार मस्ट करना चाहिए ना, ठीक है। तो अब इसकी ब्राइटनेस, तेज, कंट्रास्ट लो रखना है पहले से, सैचुरेशन, आपको वाइट में पसंद है तो वो भी बेस्ट रह जाएगी, मतलब सैचुरेशन माइनस में ले, अगर आपको येलोइश में चाहिए तो सैचुरेशन प्लस में ले आएगा। तो मैंने करनी है वाइट, इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर हो गया, ये अब हमारी है क्लियर होगी पिक, ठीक है। अगर आपको कोई और जगह भी लगती है तो फिर दोबारा सिलेक्टिव पे जाएं, मतलब आपने जिसको वाइट करना हो या फिर उसको कंट्रास्ट देना हो तो इसे इस्तेमाल करेंगे ओनली नेक पे, ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने नेक पे कर लिया, ये वाइट कर ली नेक, ठीक है, कंट्रास्ट लो, क्योंकि पीछे पहले भी हमने लो रखा था। स्ट्रक्चर भी माइनस में लेके जाना है, ये याद रहे कि जैसा हमने पहले किया था तो सेकंड में भी वैसे ही हमने करना है, क्योंकि स्किन का कलर बिल्कुल सेम ही रखना है हमने। तो इसके बाद आ जाएगी डिटेल में, तो ये माइनस में ही बेस्ट रह जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो शॉर्पनिंग वगैरह ये ना हो तो कोई मसला नहीं है वैसे। तो इसके बाद आगे, हाँ, अगर हमारी मतलब स्किन पे अगर कोई धब्बे वगैरह हैं तो हम इसे हीलिंग से ख़त्म कर लेंगे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो दोबारा कर्व्स पे जाना है, ये ज़्यादा वाइट हो जाएगी, ये फुल ब्लैक, ज़्यादा भी हमने वाइट नहीं करना ताकि मतलब बैकग्राउंड के साथ भी कंट्रास्ट लगे, समझ में आए कि कैसी बन रही है। तो और जो ग्लो और उसके अलावा जो है तो इसे हम कर लेंगे पोर्ट्रेट, ताकि इसका बैकग्राउंड का व्यू हमें बहुत प्यारा लगे, ठीक है ना। ये पोर्ट्रेट मुकम्मल हो गया, देख रहे हैं ना, स्किन स्मूथ काफ़ी, इतनी क्योंकि हमने पहले ही करी है ना। तो ये आई क्लैरिटी है, ये आई भी क्लियर हो गया, ठीक है, इसे अब ठीक ओके कर लेना है सिलेक्ट। तो ड्रामा वगैरह जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं तो हमें अब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं करने चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने खुद बनाया हुआ है ना टूनल क्रास। तो विग्नेट तो हमने ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर, तो अब हमने बात यह है कि अब हमने इसे सेव कैसे करना अपने मोबाइल में। तो यहाँ पे आ जाइए, तब हमारी वीडियो हो गई सेव, अगर हमने यहाँ पे